नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। ये तस्वीरें देखिए पीर पंजाल खित्ते की। एक दिन पीर पंजाल भी बनेगा टूरिस्ट हब। बहुत बर्फ, इतना हमने बहुत मस्ती की, बहुत ज्यादा मस्ती की। मेरा नाम आरती है और हम लोग मुंबई से आए हैं। हमने जितना सोचा था उससे बहुत बहुत अच्छा है ये जगह। मेरा नाम वरुण सोम है और मैं यूपी के मेरठ से आया हूँ यहाँ पे पीर पंजाल में घूमने के लिए। काफी अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। बर्फ काफी है लेकिन थोड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे कम है। अगर थोड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया जाए और थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ा दिया जाए तो ये काफी अच्छी जगह है। यहाँ पे भी जो है डेवलपमेंट हो सकती है और इस बर्फ का जो है नज़ारा लोग ले सकते हैं। अभी हम पीर पंजाल रेंज में हैं और यहाँ का अगर आप व्यू देखोगे, यहाँ की अगर आप सीनिक ब्यूटी देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर हम J&K की बात करें तो टूरिज्म को देखा जाए तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। जिस एरिया में हम बैठे हैं ये स्लाइड प्रोन एरिया है और आपको पता नहीं चलेगा कि एक मिनट में कब कौन सा पहाड़ आपके सर पे आ जाए। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए और कहीं ना कहीं ये J&K की इकोनॉमी को जनरेट। फरवरी और फरवरी में इधर थे, थोड़ी ज़्यादा बर्फ थी तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस नहीं है। जो टूरिस्ट प्लेस है, अगर यहाँ पे थोड़े रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए गए तो यहाँ टूरिस्ट और भी आ सकते हैं। यहाँ अभी जब हम आए तो हमें बहुत सारी रिस्क और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। जिस तरह से हम गाड़ी लेकर आ रहे थे तब हम तहसील रामनगर के सत्या गांव में रहस्यमय परिस्थितियों में एक 6 साल की लड़की के नाले से शव बरामद। बाकी जगह तो कुछ एक राधु, एक सोनू, एक कार्ती। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के म्युनिसिपैलिटी कमेटी रामनगर में कर्मचारियों ने जोरदार किया प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर पर सादा निशाना कहा करते हैं। बीते सालों में हुए काम पर ग्राउंड में कुछ नहीं। उन्होंने हमारे जहां के एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स और जो बाकी अहदेदारान हैं उनको बिठा के उनके सामने और शायद उनके उनकी मदद से सफेद झूठ बोला है कि इतना फायदा, इतनी डेवलपमेंट SC ST OBC की 70 सालों में नहीं हो पाई जितनी के बीजेपी रजीम में 7 सालों में। मैं कहूँगा कि ये सारा इसका सच्चाई से कहीं दूर दूर तक भी लेना देना नहीं। तो ये लोग जो हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेकर के आ जाते हैं और इस मौके पे हम ये भी आज कहेंगे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है इनिशियली इट वॉज जस्ट फॉर 10 ईयर। फिर किसने मांगा, किसने कहा कि इसे बढ़ाया जाए? अपने तौर पे जस्ट फॉर द वोट बैंक ये बढ़ती गई, बढ़ाते गए। हम चाहेंगे कि इसका देयर शुड बी एंड टू दिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन। नुशहरा सेक्टर से लाम लोका गांव से ग्राउंड रिपोर्ट मोहनलाल छिब्बर के साथ स्थानीय लोगों की, खासकर जो बॉर्डर के लोग हैं उनसे की बात। उनसे बात करेंगे कि कल परसों के बीच में जो है एक फैसला आया था कि सीज फायर जो है तो वो
सीज फायर के ऊपर बात करेंगे हम पैन साहब से। ये जो है आए दिन सुर्खियों में रहते हैं और जहां लाम लड़ो का चंगड़ अगर की बात की जाए तो यहां जो है हमेशा फायर जो है होता ही रहता है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरकार की तो नीतियां बनती रहती हैं, लेकिन हम लोगों से भी जानना चाहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है कामरेज जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ की पहले से यहाँ से यहीं रहते थे? पहले हम पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान कौन सी जगह पे? कोटली। कोटली के जी रहने वाले हैं। और इनकी तो आपकी जन्मभूमि इधर की है। बस करेंगे जैसे जी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का समझौता हो चुका है फायद बंद, लेकिन इस पर ये तो सरकार को पहले ही जानना चाहिए। अटल जी समझौता करके अटल जी लाहौर जाते थे जेल के लिए, तो उसने करगिल की लड़ाई करी। हम बाजू पर रहते हैं, हमें पता है कि ये मिलिटेंट खत्म होगी की, लेकिन वो अभी उस मुद्दे पर आया कि समझौता किया गया तो हम मिलिटेंट पूरी दोबारा इंडिया में भेजे। हम बाजू पर रहते हैं, बाजू के लोगों से पूछा जाए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पाकिस्तान पर कोई यकीन नहीं, भरोसा नहीं है। क्यों बात कुछ करता है और उसका दर्द कुछ होता है। हमारे फौजियों की कितनी जाने चली जाती है, तो एक बच्चा जो दुनिया से जाता है चाहे वो शहीद होता है, लेकिन पता तो उसके माँ बाप को है कि बच्चे की कीमत क्या है, या उसकी औरत को क्या पता है कि मेरा घर वाला चला गया, उसके बच्चों को क्या हालत, उसके कौन परवरिश करेगा। शहीद तो हो जाते हैं, यही हम मरा नारा यही है, शहीद हो गए शहीद। सीज फायर के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूँगा कि हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, जीरो लेयर के रहने वाले लोग हैं, और मैं अपनी सरकार और आर्मी को यही कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मंशा जो है हमेशा खराब रही है। आए दिन जो बॉर्डर पे जो फायरिंग होती है, पाकिस्तान है जो, उस पर विश्वास कभी ना करना चाहिए, क्योंकि विश्वासघाती देश है और विश्वासघात करना ही उनका काम है। तो ये कोई बड़ी साजिश मेरे को लगती है पाकिस्तान की, जो कि उन्हें सीज फायर जो किया है उसमें हमारी जो भारत की सेना है और जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो मंशा है वो कामयाब ना हो सके। यही इन लोगों का कहना था। आप देख रहे थे जेके न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ लाम लड़ो का। माँ चंडी देवी के स्थापना दिवस पर आज हवन और यज्ञ किया गया। हर वर्ष की तरह पक्का डंगा जम्मू में माँ लक्ष्मी मंदिर के आंगन में माता चंडी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। पिछले 25-26 साल से ये दिन हर 1 मार्च को मनाते हैं। अब इसमें माता का हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भंडारा लगता है, और हम माता से प्रार्थना करते हैं कि जो विपदा पूरे देश में आई हुई है उससे माता निर्वाण करे और सबको सुख शांति और समृद्धि दे। बात करेंगे इंडस्ट्री एम्प्लॉयज ने दिया मेमोरेंडम लेबर कमिश्नर को और मीडिया से की बात। उन्होंने कहा कि प्रॉपर इंडस्ट्री लेती है काम, लेकिन वेतन के समय मुंह मोड़ देती है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। आज हम सांबा सिडको इंडस्ट्री के मेरे ये भाई हैं जो लेबरर का काम करते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, इन सब को लेकर जम्मू में आए हैं। सांबा सिडको इंडस्ट्री में इन लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, इनको इनकी बेजिस सही नहीं दी जा रही है, इनका जो पीएफ इनकी तनख्वाह में से काटा गया है वो इनको नहीं मिल रहा। जब पीएफ के ऑफिस में जा रहे हैं उनकी कहना है कि इनका जो पीएफ है वो काटा ही नहीं गया है, कहीं उनके पास इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। आज हम सांबा से जम्मू आए हैं, जम्मू लेबर कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे, उनको मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। जो लोग 15-15 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ऑन रोल नहीं किया जा रहा, ऑफ रोल ये चल रहे हैं, उसके बाद भी इनको अगर ये अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं इनको वहाँ पे धमकियां दी जाती हैं, कंपनी से निकाल दिया जाता है। एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतने बड़े वादे किए जा रहे हैं,
जब ये अपने हक के लिए महिलाएं बोलती हैं, उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। ना ही इनको ग्रेच्युटी दी जा रही है, ना ही इनका जो पीएफ है वो मिल रहा है, और ना ही वेजेस इनको सही तरीके से दी जा रही है। इसके लिए आज हम जम्मू आए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे असिस्टेंट, हमारे जो लेबर कमिश्नर हैं, हमारे डीपकॉम साहब हैं, जी साहब हैं, उनके तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि लॉकडाउन की जो माननीय प्रधानमंत्री ने इनको तनख्वाह देने के लिए बोला था, आज तक सांबा इंडस्ट्रीज में बहुत सी ऐसी सिरको इंडस्ट्री में इंडस्ट्री हैं जिन्होंने वे पे भी नहीं दी है। बात करते हैं उधमपुर में एक ऑटो की बैटरी निकाल चोरों ने किए हाथ साफ, चोरी को लगातार अंजाम दे रहे हैं। उधमपुर में चोर, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर बात की जाए तो ऑटो ड्राइवर जितने भी हैं, पहले तो डीजल पेट्रोल की दाम से जो दुखी, लेकिन अब चोर जो है दूसरी परेशानी बना रहे हैं, उनके गाड़ी से जो सामान चुरा रहे हैं। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। ये सर कल शाम को ऑटो लगाया था, ये तानिया डीजल का ऑटो है, मेरे बेटे ने लगाया कल शाम को, और उसके बाद सुबह हमें पता चला, किसी ने बताया कि आपका ऑटो की बारी खुली हुई है, तो बैटरी कोई ले गया है, बेल्डिंग बुल्डिंग करवाई थी, तोड़ के ली हुई है। इसके पहले भी, एक साल पहले भी हमारी बैटरी चोरी हो गई थी। आगे हमें कोरोना की बड़ी मार पड़ी हुई है, काम काज कुछ नहीं है, तो ऐसे चोरी कहाँ से डालेंगे हम ये बैटरियाँ लेके, तो हमें बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ आए दिन चोरियाँ हो रही है, तो इसीलिए हमने आप मीडिया को बुलाया है, तो इनके लिए पूछा है कि ये बैटरी हमारी चोरी हो गई है तो ये खबर दे। पुलिस से यही डिमांड करेंगे, पुलिस तहकीकात करे और पुलिस देखे, अब बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, हमें तो बिल्कुल घर से बाहर भी जाना हो, कहीं भी शाम को लगाते हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, गरीब आदमी हैं, तो ऐसी बैटरी चोरी हो जाएगी, 6000 रुपये की बैटरी है, पहले भी चोरी हो गई, अब भी चोरी हो गई, यहाँ गाड़ी लगाते हैं हम पार्किंग करके, तो बस उसके बाद सुबह देखा तो हमें पता चला कि बैटरी ले गया कोई। परेड कॉलेज की छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन एग्जाम को लेकर, उन्होंने कहा कि बिन पूछे निकाल दी डेट शीट, हमारा नहीं हुआ सिलेबस कवर, और हमें चाहिए जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हुई है ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। एकजुट जम्मू ने आकाश की हत्या पर पाकिस्तान के खिलाफ की नाराबाजी। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पकड़ा एक चोर को जो स्कूटी और कार की करता था चोरी, और उन्हें बेचकर करता था ड्रग्स का नशा। स्वागत है कि आपने शॉर्ट नोटिस को जो है यहाँ पे ऑफर दिए। तो आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये हमारी मोटर व्हीकल थेफ्ट और उसके रिलेटेड जो हमारी रिकवरी हुई है उसको लेकर है। ये मैं आपको बताऊं, जो ये मारुति कार और दो स्कूटी है, ये नियर जो छन्नी पुली है वहाँ पे एक खाली एरिया है, वहाँ पे इसने रखे होते थे। इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जब इसको ज़रूरत होती थी कि जब इसको पैसे कम पड़ रहे तो ये किसी को दे देता। इसी तरह से जो 30 जिनका अभी हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इसने किस किस को आगे बेचे हैं, लेकिन जो अभी तक की हमने जो रिकवरी की है वो किसी की पोजेशन जो किसी ने मतलब कि जो इसकी चुराई हुई गाड़ी जो है ली हो
ठीक है, अभी तक हमारे पास ऐसी रिकवरी नहीं हुई है। बेची है तो लोगों को इसने जैसे भी भेज दिया, किसी भी हाँ वो भेज दिया, तो उनकी बेची है तो भी इसका मोडस ऑपरेंडे क्या है कि गाड़ी इसने चोरी कर ली, गाड़ी चोरी करने के बाद ये अपनी जहाँ भी इसको ऐसी कोई ऐसी जगह है जहाँ ये छुपा के रखेगा, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से जब इसको ज़रूरत पड़ती है, जब इसको पैसों की कमी होती है, तो ये किसी को बेच देगा और उससे अपना जो है ड्रग्स वगैरह या उस तरह का वो सामान जो है उससे खरीदता है। लेकिन अभी तो हमारी जो रिकवरीज है ये हमें किसी की पोजेशन से नहीं मिली है। लेकिन इसमें बता रहा हूँ कि ये इसने जो अभी तक की जो 30 इसकी जो पुरानी जो है तकरीबन 30 केसेस हैं जिसमें इसने चुरा के तो किसी को बेच के वहाँ से अपना पैसा जो है लेके वो ड्रग्स उसको एज पर दे दिया। हम उसका उसमें ज़्यादा हम उसका जिक्र, हमारी कोशिश यही रहती है कि वो वापस से जो है एक मतलब वापस से सोसाइटी में आ जाए। इनफैक्ट ये जो ड्रग एडिक्ट है इसमें भी अभी ये SSP जम्मू श्रीधर पाटिल सर जो हैं उन्होंने ही सजेस्ट किया कि हम इसको जो है अपना डी एडिक्शन सेंटर जो है वहाँ भेज के वहाँ पे इसका जो है ट्रीटमेंट वगैरह कराया जा सके। हमें इसमें जो पता चला है कि ये ये जो ड्रग एडिक्ट है ये चोरियाँ जो है ये व्हीकल वगैरह जो उठा रहा है ये सिर्फ इसकी वजह से ही कर रहा है, इसकी जो पैसे की कमी हो रही है, घर से नेग्लेक्ट है ये, घर वालों के साथ इसका कोई आप समझ सकते हैं एक अच्छी मतलब अब इसमें इसमें सरपंचों पंचों की बात करें तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में कहा कि सिर्फ नाम के हैं सरपंच, हम नहीं पूछताछ करती सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, जब रखे जाते हैं काम और रिलीज किए जाते हैं फंड्स। पंचों को पूरी पावर देंगे, जो भी काम पंचायत के होंगे वो पंचायतें ही करेंगे, वैसा नहीं हो रहा। मेरी पंचायतों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक और स्कीम भी हल देगा उसमें 204 पे पर डे रेट पे हमें लेबर मिलती है। पंचायतों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी पंचायतों को प्रॉब्लम आ रही है ये 14FC के जो पैसे रिलीज करते हैं वो हमें बताते नहीं है कितने पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं, क्योंकि अकाउंट भी इन्होंने खुलवाए हैं, कैश बुक ही इनके पास है, साल बाद ये कैश बुक लेके आते हैं कि इस पे साइन कर दो आपके खाते में इतने पैसे बचे। अगर हमारे खाते में 19-20 लाख रुपये बचे हैं क्यों बचाए हैं? हमारे जो काम हमने प्लान 10-10 काम भेजे हैं उन प्लानों में एडजस्ट क्यों नहीं किए वो पैसे, ताकि हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारे सरपंच काम करवाते, वो इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये प्रॉब्लम आ रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो पैसा हमारे पंचायतों को आता है वो चाहे CDF का हो, CD पंचायत हो, बैक टू विलेज हो, या अदर कोई जैसे बॉर्डर वाले हैं BDP का हो, उसके ये टेंडर लगा रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। जब पावर पंचायतों के पास है तो ये कैसे टेंडर लगा रहे हैं? टेंडर लगा के ये जो काम उठाते हैं वो पूछते भी नहीं सरपंच को, सरपंच को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, अपने आप उद्घाटन करते हैं सरपंच को पूछते भी, ये कौन सी पंचायतें बनाई हैं? अपनी पार्टी के वर्करों ने सांबा में की एक मीटिंग और कहा अपनी पार्टी का एक ही लक्ष्य स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट। नौजवानों को ये दोबारा धकेल रहे हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि यहाँ चुनी हुई सरकार बने और जब डिलिमिटेशन हो रहा है तो इनके मेंबर बायकॉट कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे लगता है कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि उनको फ्री पासेज दे रहे हैं कि BJP जिस किस्म से भी डिमोनेटाइजेशन करना चाहे करे, और ये वैली में इस किस्म की बातें करते हैं जिससे जम्मू में BJP को फ़ायदा होता है, कश्मीर में ये अपना फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं वो इनकी बातों में नहीं आएंगे, और मैं समझता हूं कि लोग भी समझ चुके हैं। अब ये जो बातें कर रहे हैं, महबूबा जी कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, भाई किस बात के लिए पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? हमारा एक अपना देश है, क्यों पाकिस्तान से हमने बात करनी? तो ये सारी बातें जो हैं ये सिर्फ वोट बैंक को देके ये बातें करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच की बात कर रही है, हम कहते हैं स्टेट उड़ दो, ये कहते हैं स्टेट उड़ नहीं चाहिए, हमको 370 चाहिए, ये स्टेट उड़ के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम स्कीयर्स इन करना सब डिवीजन कुपवाड़ा।
यहाँ पे तो अभी ये पहली शुरुआत है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे सिकिंग लिफ्ट नहीं है, उसके बाद स्नो ग्रूमर जो बीटिंग करने के लिए होता है वो होना चाहिए। अब उसके अलावा स्नो बाइक, ईटीवी कार, वो सब यहाँ पे जो है होना चाहिए। मैन है लिफ्ट। आज आप शुरुआत कर रहे हैं तो कैसा ये, अगर स्लोप की बात की जाए तो क्या स्लोप? तो हमने इससे पहले गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग जो स्लोप है उनसे बहुत ही बढ़िया, ये अच्छे स्लोप है, ये बहुत ही अच्छे स्लोप है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और जो शक्ति विजय ब्रिगेड जिन्होंने ये कदम उठाया उनका बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि आने वाले समय में जो है यहाँ पे इसका बढ़ावा होए, तो इसके लिए हम तो। पीडीपी ने जोरदार किया प्रदर्शन महंगाई को लेकर। उन्होंने कहा सरकार ने सिर्फ लोगों को तोहफे में दी महंगाई। ट्रांसपोर्टर की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे काम काज पर रोक लगा दी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर। कैसे करेगा गरीब आदमी? अब मैं बींग ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यूनियन, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी गाड़ियाँ अभी लेह लद्दाख का रास्ता खुलने वाला है। 90 रुपये अगर डीजल आपका हो गया है तो मेरी गाड़ी जो जम्मू से ऑयल टैंकर या लोड कैरी यहाँ से लोड होकर लेह लद्दाख के लिए जाएगा, वापस आएगा, उसको कम से कम 40,000 रुपये का तेल चाहिए, 40,000 का तेल। उसके बाद बाकी खर्चे का मतलब है एक ट्रांसपोर्टर के पास 60,000 रुपये जेब में हो, वो यहाँ से ले और ले से जम्मू वापस तक आएगा। मुझे बताइए कि हमारे रेट्स क्या है, क्या डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट को ये जो पेट्रोल के रेट है, डीजल के रेट है, एलपीजी के रेट है, इनको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, कम से कम उनको करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपनी किचन को प्रॉपर ढंग से चला सके। आज के पैंथर्स पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस भीम सिंह की अध्यक्षता में। उन्होंने कहा कि एसपीओ को भी मिले कांस्टेबल जैसी फैसिलिटी। सेक्रेटरी आज शिवाल सिंह जी ने कहा कि इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है एसपीओ के बारे में। एसपीओ की कहानी बड़ी अजीब अजीब है। एसपीओ की कहानी शुरू हुई थी जब जम्मू कश्मीर की सरकार के पास पैसे नहीं थे एक पुलिस कांस्टेबल को देने के लिए। 1500 रुपये से शेख अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, एसपीओ शुरू हुआ था, मैं एमएलए था उस वक्त। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1500-6,000 रुपये हुई और आज भी मेरे ख्याल में कहीं कहीं 6-7-8-10 मिलती है। लेकिन जो काम ये करते हैं एसपीओ वही काम करते हैं, उनसे ज़्यादा करते हैं एक पुलिस पैन से और कुर्बानी भी देते हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने का भी कमाल है इनका, इनका कपवाड़ा से लेकर कठुआ तक। मैं ये मामला आज से नहीं 1982 से पैंथर्स पार्टी लड़ती रही है और आज ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। हमारे दोस्त सेवा सिंह जी ने कहा कि किया 35,000 एसपीओज हैं ऑफिशियली जो काम करते हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज उनको भी निकाला जा रहा है और वो भी रेगुलराइज नहीं हुए। पैंथर्स पार्टी का ये स्टैंड है कि इनको रेगुलराइज किया जाए उस और वही तनख्वाह दी जाए, वही फैसिलिटी दी जाए इनको, वही प्रिविलेज दी जाए जो पुलिसमैन को है। आज तीसरे दिन समाप्त हुआ जेके एसएसबी फोर्थ क्लास का एग्जामिनेशन। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट जम्मू से कपिल शर्मा के साथ। क्या सर आपका एग्जाम आज? एग्जाम तो ठीक रहा मगर वोट
टफ तरीके का पेपर डाला हुआ था। आई हैव ओनली सिंपल क्वेश्चन, क्या उम्मीद है आपका सरकार से कि ये फोर्थ क्लास की नौकरी मिलेगी आपको? दिस इज ओनली डिफॉल्टिंग टू अ पीपल, डिफॉल्टिंग टू अ चाइल्ड, डिफॉल्टिंग टू अ नॉर्मल पीपल। बेसिकली दिस इज टोटली, ये एग्जाम नहीं था जैसे कोई AIS का या फिर किसी बड़े मल्टी लेवल, मुझे नहीं लगता कि ये फोर्थ क्लास का किसी टाइप का एग्जाम था। मैम कैसा लगा आपको एग्ज़ाम दे के? ठीक ही था। कैसा, इजी था, टफ था? ये ठीक ही था। एक ऐसा एग्ज़ाम कैसा रहा आपका, कैसा टफ था, इजी था? मैं तो टफ था, बाकी क्या उम्मीद है आपको? आपने दे दिया सीजीएल, कैसा रहा एग्जाम आपका? सीजीएल का एग्जाम दे दिया। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद कुछ नहीं, इतना टफ डाला इन्होंने।